हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स टू लर्न टुगेदर। आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं डेलीकेट का मतलब, उसके प्रोनाउंसिएशन और साथ में देखेंगे कि डेलीकेट वर्ड का हमें सेंटेंस में यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले डेलीकेट की प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं। DELI डेली, CATE केट, डेलीकेट। डेलीकेट के चार मतलब होते हैं। तो सबसे पहला मतलब है easily damaged और broken। कोई चीज जो आसानी से क्षतिग्रस्त या टूट सकती है उसे डेलिकेट कहा जाता है। तो आइए इसके हम दो सेंटेंस एग्जांपल्स देख लेते हैं। He touched the delicate petals with gentle fingers. He touched the delicate petals with gentle fingers. उसने हल्के हाथों से कोमल पंखुड़ियों को छुआ। The eye is one of the most delicate organs of the body. The eye is one of the most delicate organs of the body. आंख शरीर के सबसे नाजुक अंगों में से एक है। वहीं delicate का दूसरा मतलब होता है someone who is delicate is hurt easily or easily becomes ill. जो नाजुक यानी कि delicate होता है उसे आसानी से चोट लग सकती है या वो जल्दी से बीमार हो जाता है। तो आइए इस मीनिंग से हम दो सेंटेंस एग्जांपल्स देखते हैं। अ डेलिकेट चाइल्ड, अ डेलिकेट चाइल्ड, एक नाजुक बच्चा। शी हैज बीन इन डेलिकेट हेल्थ फॉर सम टाइम, शी हैज बीन इन डेलिकेट हेल्थ फॉर सम टाइम। पिछले कुछ समय से उनका स्वास्थ्य नाजुक है। वहीं डेलिकेट का तीसरा मतलब होता है A taste, smell or color that is delicate is pleasant and not strong. एक स्वाद, गंध या रंग जो नाजुक है यानी delicate होता है वो बहुत सुखद होता है और ज्यादा भड़कीला या तेज नहीं होता। तो आइए इस मीनिंग के हम दो सेंटेंस एग्जाम्पल्स देखते हैं। The flowers are chosen for their delicate fragrance. The flowers are chosen for their delicate fragrance. फूलों को उनकी नाजुक सुगंध के लिए चुना जाता है। Its large leaves often show a delicate purple tint. Its large leaves often show a delicate purple tint. इसके बड़े पत्तों पर अक्सर एक नाजुक बैंगनी रंग दिखता है। वहीं delicate का चौथा मतलब होता है needing to be dealt with carefully or sensitively in order to avoid problems or failure. जब किसी बात से सावधानी या संवेदनशीलता से निपटना होता है ताकि कोई परेशानी या विफलता का सामना ना करना पड़े, तब उसको डेलिकेट मैटर कहा जाता है। तो आइए इससे हम दो सेंटेंस एग्जांपल्स देख लेते हैं। There is something I have to speak to you about. It's a delicate matter. There is something I have to speak to you about. It's a delicate matter. मुझे आपसे कुछ बात करनी है, यह एक नाजुक मामला है। Please don't joke about such a delicate subject. Please don't joke about such a delicate subject. कृपया ऐसे नाजुक विषय पर मजाक ना करें। तो आइए हम delicate के synonyms या समानार्थी शब्द देख लेते हैं। Sensitive संवेदनशील होना, fragile नाजुक होना, soft मुलायम, weak कमजोर होना। वहीं डेलिकेट के एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द या ऑपोजिट शब्द है स्ट्रॉन्ग मजबूत होना। तो जहां एक और डेलिकेट का मतलब होता है नाजुक होना, वहीं उसका ऑपोजिट वर्ड है स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत होना, रफ खुरदुरा होना, रोबस्ट मजबूत, टफ सख्त होना। तो सिंपल शब्दों में डेलिकेट का मतलब होता है किसी चीज का मखमली होना, नाजुक होना, कमजोर, सूक्ष्म, सुहावना, संवेदनशील, महीन, बढ़िया होना या बारीक या कोमल होना। अब आपकी बारी, नीचे कमेंट में आप डेलिकेट शब्द से सेंटेंस बनाकर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस video. Meet you next time. Until then, keep learning, read lot of books and stay happy.